जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका ज्योतिषी और आपका मार्गदर्शक, ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल 2021 कैसा रहेगा आपके लिए और कौन से उपाय करने पर वृषभ राशि वालों के लिए आज का समय बहुत अच्छा चलेगा। तो वृषभ राशि के सितारे कहते हैं कि 2021 में कुछ असामान्य गतिविधियां आपके साथ हो सकती हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि देव की सीधी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देखते हैं, अप्रैल से लगा कर के सितंबर तक का महीना बहुत ही शुभदायक बना रहेगा, लेकिन नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय और ही अच्छा होगा, लेकिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए तकलीफों से भरा हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखते हैं, कुल मिलाकर के यह साल कुछ स्थिति ऊपर और नीचे हो सकती है। और इसके अलावा आइए अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के लिहाज से देखते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं और भाग्य स्थान पर गोचर करने के कारण वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में इस वर्ष भाग का साथ मिलेगा। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनको मनचाहा जगह पर ट्रांसफ़र इस वर्ष हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, ज़रूर बदल लें, इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होने की भी स्थिति बन रही है। जो वृषभ राशि के जातक इस वर्ष साझेदारी करना चाहते हैं तो साझेदारी का व्यापार बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको हानि होने की संभावना है और आपका संबंध भी बिगड़ सकता है। वृषभ राशि के जो जातक भाग्य के भरोसे बैठ करके कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें इस वर्ष कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। अर्थात इस वर्ष आप कोई शॉर्टकट फार्मूला ना अपनाएं, अधिक परिश्रम करें तो अधिक लाभ मिलेगा। और जहाँ तक स्थिति है, किसी संतानहीन व्यक्ति के साथ इस वर्ष आप पार्टनरशिप व्यापार बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपका संबंध भी बिगड़ जाएगा। अगर आपके देखते हैं इस वर्ष लाभ होने का, कॉस्मेटिक के क्षेत्रों में लाभ होने का विशेष योग बन रहा है व्यापार के लिए, जो जातक इंजीनियरिंग का कार्य कर रहे हैं या अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस वर्ष विशेष लाभ होने की स्थिति बन रही है। तो साथियों, यह था आपके करियर के बारे में। शुरुआत में जनवरी में मंगलदेव आपके 12वें स्थान पर रहेंगे, इसलिए खर्च की स्थिति अत्यधिक बढ़ जाएगी जनवरी और फरवरी में, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होगी। जीवन साथी हो या प्रेमिका हो, कुछ आपसे मदद पाने की उम्मीद भी करेगी, जिसके कारण भी आपको आर्थिक बोझ अवश्य प्राप्त होगा। तो साथियों, आपको जरूर ध्यान रखना होगा, खर्चा बहुत सोच समझ करके करना होगा। और गुरु बृहस्पति आपको शुभ दृष्टि दे रहे हैं। अप्रैल से सितंबर तक का महीना आपके लिए बेहद सुखद रहेगा, भाग्यवान रहेंगे। इस वर्ष शनिदेव के कारण आप कोई अस्थाई संपत्ति बनाने का कार्य करेंगे। आप मकान या जमीन से संबंधित कुछ भी चीज़ों में निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। इस वर्ष आर्थिक क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होने का योग बन रहा है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने को छोड़ करके, और इसलिए आपको शुरुआती दो महीनों में बहुत सोच समझ करके खर्च करना पड़ेगा। अगर देखते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, इस वर्ष आपको पैतृक जमीन से भी लाभ होने का योग बन रहा है, जिसके कारण आपके मन में बड़े हर्ष का विषय बना रहेगा। आपके लिए पैतृक संपत्ति में बढ़ाने के लिए, सुफल प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य देव को जरूर जल अर्पण करना चाहिए, और यह 6 से 7 बजे के बीच में ही करना चाहिए, जब सूर्य देव अपनी लालिमा देते रहें। शिक्षा के लिहाज से देखते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर देखते हैं जनवरी से लगा करके अप्रैल तक का समय आपके लिए बेहद सुखद रहेगा, आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होगी, लेकिन अप्रैल से लगा करके सितंबर तक का आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र अत्यधिक मेहनत करते हैं उनको विशेष सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है। जो शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कुछ इस वर्ष परेशानियों का सामना भी करना
पड़ सकता है। अगर हम देखते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सितंबर से लगा करके नवंबर तक का विशेष लाभ बना रहेगा। इस वर्ष इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी परीक्षाओं का, मेडिकल से संबंधित या ज्वेलरी से या सिनेमा जगत से जुड़े हुए क्षेत्रों से अध्ययन कर रहे लोगों को विशेष सफलता प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा में विशेष सफलता प्राप्त होने का योग बन रहा है, लेकिन जनवरी से लगा करके अप्रैल तक का ही। शिक्षा में विशेष स्थान हासिल करने के लिए इस वर्ष आपको हनुमान जी की नियमित पूजा करनी होगी। उनकी कृपा से आपके बल और बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। तो साथियों, यह था आपके शिक्षा से जुड़े हुए कार्य। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन से लिहाज से देखते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव बना रहेगा। साल के शुरुआत में जनवरी से लगा करके फरवरी तक के बीच में परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ वाद विवाद, मनमुटाव बना रहेगा, जिससे कि आपका मन उदास रहेगा कि परिवार का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। फरवरी के बाद से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर देखते हैं अगस्त से लगा करके सितंबर तक का, गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण पारिवारिक जीवन बड़ा खुशहाल रहेगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। जुलाई के महीनों में आपको माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस वर्ष पूरे भाई बहनों के साथ में कुछ न कुछ विवाद, मनमुटाव चलता रहेगा, लेकिन आगे चल करके देखते हैं आपके फैमिली का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का सहयोग आपको प्राप्त अवश्य होगा। आगे चल करके देखते हैं आपके परिवार में आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का सहयोग आपको प्राप्त अवश्य होगा। कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और परिवार में कोई सुखद समाचार हो सकता है, शुभ व्यक्ति का आगमन हो सकता है, अर्थात पारिवारिक जीवन में किसी नए सदस्य की वृद्धि अवश्य होगी। तो साथियों, यह था आपका पारिवारिक राशिफल। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, क्या कहते हैं आपके सितारे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखते हैं केतु ग्रह की दृष्टि आपके सातवें स्थान पर पड़ रही है, अर्थात वैवाहिक जीवन के बारे में पड़ रही है। आपका जीवन साथी आपकी बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। केतु के प्रभाव के कारण वह आपसे कहीं ना कहीं चिढ़ जाएगी किसी बात को लेकर के, लेकिन देखते हैं जनवरी से लगा करके फरवरी तक का महीना सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी से अप्रैल तक का महीना आप लोगों के बीच में तनावपूर्ण अवश्य रहेगा। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को इस वर्ष सतर्क रहना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सके। फिर देखते हैं अप्रैल से लगा करके सितंबर तक का महीना सामान्य बना रहेगा, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहेगी लेकिन स्थिति सामान्य बनी रहेगी और पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा और सुखद चलता रहेगा। अगर देखते हैं जो वृषभ राशि के जातक इस वर्ष विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। इस वर्ष आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, अर्थात पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण संतान प्राप्ति होने का भी योग बन रहा है। साथियों, इस वर्ष आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सोच समझ करके ही कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के समझ करके सलाह लेकर के ही कार्य करें, नहीं तो दिक्कतों का सामना अवश्य आ सकता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम के लिहाज से देखते हैं इस वर्ष आपका सामान्य नहीं रहेगा। आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, इधर उधर की बात करेगा, जिससे कि आपका मन खिन्न रहेगा। आप उसे बार बार समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ दिन बाद उनका रवैया फिर ऐसे ही हो जाएगा, जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक अवसाद भी हो सकता है। आपको चाहिए अपने जीवन साथी का या अपने प्रेमी का भरपूर सहयोग करें और ध्यान दें, जो बात उचित हो उसी ही माने। लेकिन देखते हैं सितंबर से लगा करके प्रेम जीवन के बारे में बहुत ही अच्छा और सुखद एहसास लेकर के आएगा। इसी महीना भी आपके प्रेम जीवन के लिहाज से बेहतर
साबित होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। राहु और केतु लग्न और सप्तम स्थान पर बैठ करके आपके लग्न को और आपके सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य में इस वक्त गिरावटों का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी और फरवरी का महीना कुछ दिक्कत और परेशानियों का हो सकता है और मंगल के 12वें स्थान पर गोचर करने के कारण आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शुरुआत के 2 महीनों में रोज 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य आपको करना होगा। साथियों, पूरे वर्ष देखते कुछ न कुछ दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको लगा रहेगा, इसलिए आपको चाहिए कि मार्च से लगा करके अक्टूबर तक का महीना आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको तले भुले हुए भोजन से परहेज अवश्य करना होगा। और कुल मिलाकर के देखते हैं, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन शुरुआत के 2 महीनों में विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। तो साथियों, आइए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष कौन सा उपाय करें कि आपका समय अच्छा सा चल जाए। तो वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि इस वर्ष आपको नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और इसके अलावा आपको दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्रोत का पाठ करें तो यह समय आपका बहुत अच्छा चलेगा और 2021 में आने वाली परेशानियों से आप बच जाएंगे और जिसके परिणाम स्वरूप आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे, घर में खुशियां प्राप्त होंगी और आर्थिक जीवन भी आपका अच्छा सा चलेगा। ये उपाय जरूर करें। इसके अलावा आपको छोटा सा प्रयोग करना है। प्रयोग ये है कि आपको 43 शनिवार को अपने सर से लौंग लेकर के घुमा करके किसी ज़मीन में गाड़ देना है। यहाँ पे लौंग को विशेष ध्यान रखना होगा, किसी ज़मीन में सुनसान स्थान को शनिवार के दिन 43 शनिवार को ये उपाय करिए, आपको विशेष लाभ अवश्य मिलेगा और आप सुखद जीवन अवश्य व्यतीत करेंगे। तो जय माता दी। फिर मिलते हैं मिथुन राशिफल के साथ।